अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में अकड़न है, जकड़न है और दर्द होता है, तो हमें कुछ एक्सरसाइजेस कराने की जरूरत होती है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप जिसको भी ये लगे कि आपको सामने वाले को कम गर्दन में दर्द है, तो आप सबसे पहले हाथ को यहाँ रखिए और गर्दन को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ के रखिए, इस तरीके से 6 सेकंड का होल्ड करिए, फिर 6 सेकंड के बाद वापस आइए, फिर राइट हैंड की तरफ रखिए, गर्दन को पूरी तरीके से मोड़िए। ये कोशिश करना कि गर्दन ही मुड़े, कंधा ना मुड़े, फिर उसके बाद फिर वापस सीधे कर लीजिए। ये 5-5 बार आपने दोनों डायरेक्शन में करनी है, ठीक। जितना मैक्सिमम जा सकते हैं उतना ही मैक्सिमम हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसके बाद में जब ये पांच बार लेफ्ट और 5 बार राइट हो जाए, तो आप साइड में बैठकर हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ मोड़ना है गर्दन को, 6 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं, ठीक। ये भी 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, 5 बार पीछे की तरफ जाएंगे। इसके बाद में जब ये तीनों डायरेक्शन में हो जाए, इसके बाद फिर पीछे की तरफ आपने बैठना है या खड़े होना है, कुर्सी अगर आप दे रहे हैं तो, फिर गर्दन को पकड़ना है और पूरा प्रेशर देते हुए टर्न करना है। ये कंधा यही रहेगा और ये पूरा का पूरा गर्दन आपने मोड़ना है, ये स्ट्रेच देना है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग है, ठीक। फिर वापस इसी प्रकार से दूसरी डायरेक्शन में करेंगे हम, इस तरीके से पूरी डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन, ऐसे भी हम 5 बार करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो आपको दर्द है, खिंचाव है, वो दूर हो जाएगा। ऐसे 5 बार आपने इसका अभ्यास करना है। इसके बाद आपने गर्दन को रिलैक्स करना है ऊपर से नीचे तक, ये गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए आप अच्छे से। और ये 21 दिन लगातार करेंगे, धीरे धीरे आपका सर्वाइकल का पेन ठीक हो जाएगा और आप इसके द्वारा पेशेंट के किसी भी प्रकार का दर्द है गर्दन में, उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। धन्यवाद।